था मुझे, इसलिए मैं मना कर रही थी कि जोहेब अपने ससुराल में जाके ना रहे। अब देख लीजिएगा, वो लड़की हमें जोहेब से अलग कर देगी। मम्मी क्या हो गया है, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, कोई उन्हें अलग नहीं करेगा। और मेरी भाई से बात हुई है, वो ऑफिस से जब भी निकलेंगे हमसे मिलते हुए जाएंगे। या अल्लाह, ये दिन भी देखना रह गया, तब किस किस बात का दुख मनाऊं मैं। हौसले से काम लो, अभी बहुत सारे इम्तिहान हैं। हमारे लिए खुशी और तसल्ली की बात यह है कि जुहेब नवाल के साथ खुशी खुशी रहने पर राजी हो गया। जिस तरह हमने जरबाब के मामले में समझदारी और दूरअंदेशी से काम लिया था, इसी तरह अब भी हमें समझदारी से काम लेना है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इसका फोन आ रहा है। आपी, हेलो। हाँ आपी, कैसी हैं आप? गुड़िया ठीक है? अच्छा एक मिनट बात करा रही, एक मिनट ये ले। हाँ हाँ फायजा, कैसी हो बेटा? ठीक हो? खैरियत है सब? सब बिल्कुल ठीक ठाक है अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। और आपके दामाद साहब भी बिल्कुल सही हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अम्मी वो जो मेरी दोस्त है ना, उसे नवीन के लिए प्रपोजल बताया है जी। वो जो हमारे साथ वाले शेख साहब है ना, उनका भतीजा बेल्जियम से इंजीनियरिंग कर आया है। उनकी सारी फैमिली यूरोप में सेटल्ड है, लड़की ढूंढ रहे हैं, और अम्मी लड़की को भी साथ ले जाएंगे। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है मुझे। शेख साहब को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके कुछ लोग बाहर के मुल्क में भी सेटल्ड है ना। अल्लाह करे मेरी बेटी का नसीब यही खुल जाए। अब मुझे जल्दी से बताओ कि कब लेकर आ रही हूँ उन लोगों को। अम्मी आज शाम को ही वो लोग आ रहे हैं। अम्मी बहुत अच्छा आपने इंतजाम करवाना है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ अम्मी, आपको पता है वो लड़का जुहेब से ऑलरेडी बेल्जियम में मिल चुका है, जानता है जुहेब को अच्छी तरह से। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमें पूछ गछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम ऐसा करो कि जुहेब को फोन करके फौरन बता दो और उससे कहो कि शाम को जल्दी घर आ जाए। ओके अम्मी, अच्छा से इंतजाम करवाइएगा। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।